हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे हमारा सीआईबी बीएफए मॉड्यूल डी का केस स्टडीज, बैंक बैलेंस शीट इनकम एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन के ऊपर। तो यहाँ पे केस स्टडीज में दिया हुआ है फ्रेंड्स, कुछ डेटा दिया हुआ है बैंक का फाइनेंशियल रिजल्ट्स का। तो वहाँ पे इंटरेस्ट अर्न जो है वो 24,000 करोड़, अदर नॉन इंटरेस्ट इनकम 3,600 करोड़, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 240 करोड़, इनकम ऑन सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट 160 करोड़, इंटरेस्ट पेड 15,600 करोड़, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 7,600 करोड़ और प्रोविजंस 3,200 करोड़ दिया हुआ है। तो बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द बिलो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, हमें अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज इंटरेस्ट अर्न प्लस अदर नॉन इंटरेस्ट इनकम प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस इनकम ऑन सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, और इसमें से हम लोग इंटरेस्ट पेड को माइनस करेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट अर्न जो है दैट इज 24,000 करोड़, इसमें हम लोग ऐड करेंगे 3,600 करोड़ अदर नॉन इंटरेस्ट इनकम, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 240 करोड़, इनकम ऑन सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट 160 करोड़। इसको माइनस करने के बाद फ्रेंड्स, सॉरी प्लस करने के बाद हम लोग इसमें से इंटरेस्ट पेड 15,600 करोड़ को माइनस करेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 7,600 को माइनस करेंगे। तो 24,000 प्लस 3,600 प्लस 240 प्लस 160 माइनस 15,600 माइनस 7,600 इज इक्वल टू 4,800। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा बैंकों का वो 4,800 करोड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the amount of gross income as per basic indicator approach for operational risk? तो फ्रेंड्स, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में मैंने आपको बताया था, पहले ग्रॉस इनकम हम लोग निकालेंगे। तो ग्रॉस इनकम के लिए हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम को ऐड करेंगे। तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है हमारा 24,000 माइनस 15,600, यानी कि इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट पेड, तो वो हमारा हो गया नेट इंटरेस्ट इनकम। अब इसमें नॉन इंटरेस्ट इनकम को ऐड करेंगे, नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है 3,600 करोड़ है। तो ग्रॉस इनकम जो हो गया फ्रेंड्स, वो हमारा होगा 24,000 माइनस 15,600 प्लस 3,600 इज इक्वल टू 12,000। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन सी, 12,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क अंडर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। तो फ्रेंड्स, कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क के लिए हम लोग ग्रॉस इनकम का 15% जो है वो लेते हैं। तो हमारा ग्रॉस इनकम जो है वो 12,000 आया था, तो 12,000 का 15% हम लोग लेंगे, तो 1,800 करोड़ इज द कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन बी, 1,800 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क वेटेड एसेट फॉर ऑपरेशनल रिस्क अंडर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। तो फ्रेंड्स, जो रिस्क वेटेड एसेट होता है उसका बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में हम लोग निकालते हैं कैपिटल चार्ज डिवाइडेड बाय मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो एज पर आरबीआई नॉर्म्स जो हमारा मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो है 9%। फ्रेंड्स, ये आरडब्ल्यू होगा, आर यहाँ पे छूट गया, आप लोग इसको डब्ल्यू ए नहीं आरडब्ल्यू ए पढ़िएगा, यानी रिस्क वेटेड एसेट। तो कैपिटल चार्ज हमने पिछला क्वेश्चन जो था उसमें निकाला था 1800 को हम लोग 9% से डिवाइड करेंगे, यानी 0.09, तो हमारा आंसर आएगा 20,000 करोड़। तो हियर ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, 20,000 करोड़। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये जो केस स्टडीज है यहीं खत्म होता है। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।